पप्पू यादव को पटना पुलिस ने सुबह सुबह लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया, लेकिन शाम होते होते मधेपुरा पुलिस पटना पहुंची और इस बात का खुलासा हुआ कि पप्पू को 32 साल पुराने एक अपहरण के मामले में जेल भेजा जा रहा है। हालांकि पप्पू यादव खुद और उनके समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। पप्पू यादव के शब्दों में ही कहें तो बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार ने पप्पू की बलि दे दी है। लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ये जानना जरूरी है कि जिस 32 साल पुराने अपहरण के मामले में मधेपुरा पुलिस ने आज पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है, वो मामला है क्या। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज के कुमारखंड थाने में साल 1989 में अपहरण का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पप्पू यादव अभियुक्त और राम कुमार यादव नाम का शख्स पीड़ित था। पप्पू यादव के खिलाफ धारा 364 और धारा 341 के तहत मामला दर्ज हुआ, लेकिन पप्पू ने मामले में बेल ले ली। उधर पीड़ित भी सही सलामत घर आ गया, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन बेल के नियमों के तहत पप्पू यादव को तय तारीखों पर कोर्ट में पेशी के लिए जाना था। इधर पप्पू एक भी पेशी में शामिल नहीं हुए। नतीजतन 22 मार्च 2021 को कोर्ट ने वारंट जारी किया, साथ ही कुर्की जब्ती के आदेश का नोटिस भी जारी कर दिया, लेकिन पप्पू फिर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। अब इसी मामले में मधेपुरा पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। हालांकि पप्पू यादव ये दावा कर रहे हैं कि कोरोना काल में जब ऑनलाइन इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो जज ने कहा था कि ऐसे समय में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। सर बेल अभी नहीं टूटा है, सर बेल की जानकारी नहीं थी, बेल बहुत पहले टूटा था, ये बेलेबुल था, हमें नई नॉलेज में थी। चुनाव के वक्त हुआ तो हाईकोर्ट में हमने फाइल किया, हाईकोर्ट बंद थी, लॉकडाउन में हम लोग ऑनलाइन जाते थे। राजीव रंजन जज साहब का आदेश है कि ऐसे समय में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, और उसके बाद एक साजिश के तहत वो वारंट लाके जब यहाँ पर ये गिरफ्तार नहीं कर सके, बेलेबुल था, बेल दे दिए यहाँ के इंस्पेक्टर साहब। फिर भोर आपको उठाया दूसरे मामले में, क्या लगता है सर, खुलासा करने की? सर उनसे पूछिए ना, इसमें प्रशासन का कोई हाथ नहीं है, इसमें ना तो किसी इंस्पेक्टर, ना डीएसपी, ना तो किसी एसपी और ना ही डीएम का, इसमें भूमिका है सिर्फ बीजेपी की। बीजेपी के प्रेशर पर नीतीश जी ने पप्पू यादव की बलि ली। इधर पप्पू यादव की गिरफ्तारी से उनके कार्यकर्ता आक्रोश में हैं। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टियों और सत्ता पक्ष की भी कुछ पार्टियों ने खुलकर पप्पू यादव का समर्थन किया है, क्योंकि सुबह तक सभी यही कयास लगा रहे थे कि पप्पू को लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में हिरासत में लिया गया है। ऐसे में जब देर शाम 32 साल पुराने इस मामले का सच सामने आया तो सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ सवाल गहरा गए। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही पप्पू यादव रूड़ी एम्बुलेंस मामले को लेकर सुर्खियों में आए थे। वो लगातार अलग अलग जिले में घूम घूम कर सरकार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रहे थे, जरूरतमंदों तक मदद मुहैया करा रहे थे। ऐसे में कार्यकर्ताओं और नेताओं से लेकर रामजन भी पप्पू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।